ऑफ द क्लास कंटिन्यू करते हैं कंपेयर का मेथड। अब हम कुछ बिल्ट इन मेथड देखते हैं स्ट्रिंग की क्लास के। जो एक हमारे पास मेथड है कंपेयर का, जो कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, एक स्ट्रिंग वन है एक स्ट्रिंग टू है। ये सब मैं हटा लूं, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग str, ओके, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की दिस इज टेस्ट, एक और एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की दिस इज टेक्स्ट, टेक्स्ट का डिफरेंस है। फिर मैंने क्या किया, इफ की स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग डॉट कंपेयर का मेथड कॉल किया, यानी कि स्ट्रिंग का बिल्ट इन मेथड है कंपेयर। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर str कॉमा str2, ये मेथड है कि एक्चुअली ये चेक करो कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग जो पास की हैं ये इक्वल हैं या नहीं है। अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो इफ दिस स्ट्रिंग इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा अगर स्ट्रिंग दोनों सेम होती है। तो स्ट्रिंग डॉट कंपेयर का मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और इंटीजर वैल्यू अगर जीरो हो इट मीन्स कि स्ट्रिंग सेम है, इक्वल है। तो तभी मैंने क्या किया, इफ स्ट्रिंग डॉट कंपेयर str1 str2, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर के मेथड में दो आर्गुमेंट पास किए, एक str1 और एक str2, और आगे क्या दे दिया कि अगर ये 0 0 के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो जाए, बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाए, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। इसको रन करते हैं, दिस इज टेस्ट एंड दिस इज टेक्स्ट आर नॉट इक्वल, इट मीन्स कि इस मेथड ने मुझे जीरो रिटर्न नहीं किया। अच्छा, अगर मैं इसको कर देती हूँ, सेकेंड स्ट्रिंग को भी टेस्ट कर देती हूँ और रन करती हूँ, दिस इज टेस्ट एंड दिस इज टेस्ट आर इक्वल। अब इस मेथड ने ये दो स्ट्रिंग पास की, दोनों स्ट्रिंग सेम है, इसने क्या रिटर्न कर दिया, जीरो। ये मेथड कंपेयर का मेथड जीरो रिटर्न करता है अगर मेरे पास स्ट्रिंग सेम हो तो। ये कंपेयर का मेथड हमने देख लिया। कंटेन्स मेथड, कंटेन्स का मेथड क्या करता है, कंटेन्स का मेथड चेक करता है कि अगर मुझे स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चेक करवाना है कि स्ट्रिंग में ये एंट्री एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंटेन्स का मेथड, ठीक है। कंटेन्स का मेथड का भी मैं कोड देखिए, ये सिंपल बेसिक मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, जो कि बहुत आसान है। स्ट्रिंग str, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसमें मैंने क्या वैल्यू पास की, दिस इज टेस्ट, और मैंने इफ की कंडीशन में क्या दे दिया, str डॉट कंटेन्स टेस्ट, ये मेथड बूलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर इस स्ट्रिंग में टेस्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा और प्रिंट कर देगा द सीक्वेंस टेस्ट वॉज फाउंड, अगर नहीं तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन Not found. ठीक है, रन कर देते हैं। ठीक है, द सीक्वेंस टेस्ट वाज फॉल्स। कंटेन्स का मेथड क्या बताएगा, इफ एस, अच्छा इसमें क्या आया होगा, जिस स्ट्रिंग में आपने चेक करवाना है उस स्ट्रिंग का नेम, मुझे टेक चेक करवाने के दिस इज टेस्ट, जो str की स्ट्रिंग है इसमें टेस्ट है या नहीं है। तो मैंने इसमें क्या किया, इफ str डॉट कंटेन्स टेस्ट। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्ट्रिंग यूजर से इनपुट में स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू कंसोल डॉट, यानी कि यूजर के गिवन से भी आप कर सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी रीड लाइन, और यहाँ पे आपने क्या किया str को पास कर दिया, स्ट्रिंग पास करने के बजाय वेरिएबल पास कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग दिस इज टेस्ट। अब मैं चाह रही हूँ, ये मुझसे पूछेगा कि स्ट्रिंग इनपुट करो, मैं चाह रही हूँ कि इस पर चेक करो कि पास एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, टेस्ट करो, ये क्या करेगा, नॉट फाउंड। फिर रन किया, मैंने कहा चेक करो इज है या नहीं है, द सीक्वेंस टेस्ट वाज फाउंड। अच्छा, मैंने यहाँ टेस्ट लिखा था, आप चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल कोई प्रिंट करवाना चाहें सो आप जीरो करके प्रिंट करवा सकते हैं, जीरो कॉमा str2, ठीक है, रन करते हैं।
इफ द सीक्वेंस इज नॉट, ठीक है। तो ये मेथड कैसे कॉल होगा, जिस स्ट्रिंग पे आपने चेक करना है उस स्ट्रिंग का नाम डॉट कंटेन्स का बिल्ट इन मेथड, और आगे वो स्ट्रिंग या वो वैल्यू जो आप चेक करवाना चाह रहे हैं इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रही है नहीं। और कंटेन्स का मेथड, वहां पे कंपेयर का मेथड क्या रिटर्न कर रहा था, इंटीजर वैल्यू। कंटेन का मेथड बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। अगर ये सर्च हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंटेन नहीं करेगा, तो फॉल्स रिटर्न होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये ट्रू हो जाए, इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो एल्स में ये प्रिंट हो जाए कि नॉट फाउंड। इसी तरह मेरे पास सब स्ट्रिंग का मेथड है। सब स्ट्रिंग मीन्स, अच्छा सब स्ट्रिंग के क्या मीनिंग्स होते हैं, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अगर मैं कह रही हूँ पाकिस्तान इज अ स्ट्रिंग या लॉन्ग लिव पाकिस्तान इज अ स्ट्रिंग, सो लिव इज इट्स पार्ट। अगर पाकिस्तान इज इट्स सब स्ट्रिंग, ओ एन जी इज इट्स सब स्ट्रिंग, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग में से कोई भी मैं जो एग्जिस्टिंग कोई भी एक दो कंपोनेंट उठा लूँ, एक कंपोनेंट उठा लूँ, तो वो उस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है, ठीक है। सो हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग का मेथड भी कॉल कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग के साथ, लाइक हटा देते हैं हम टेस्ट वाला काम, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लॉन्ग लिव पाकिस्तान, कंसोल डॉट राइट लाइन पे str प्रिंट कर दिया। फिर मैंने एक और स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग सब str इज इक्वल टू, उसमें मैं क्या स्ट्रिंग लिखवा रही हूँ, str डॉट सब स्ट्रिंग 7, यानी कि जो str मैंने पास की है लॉन्ग लिव पाकिस्तान, इसमें से 7th इंडेक्स पोजीशन पे जो वेरिएबल है वहां से उठाओ और वहां से पूरी स्ट्रिंग को पार्ट बना दो। तो ये 7 कैसे उठाएगा, ठीक है, 7 को भी इंक्लूड करेगा जो मैंने नेम दिया है, वहां से स्ट्रिंग को उठाएगा और उसके बाद की रिमेनिंग स्ट्रिंग को पार्ट बना देगा, यानी कि वो मेरे पास क्या बन जाएगी, सब स्ट्रिंग। तो ये वी इसको छोड़ के इसके बाद वाली स्ट्रिंग को उठाएगा और एक नई स्ट्रिंग बना देगा जो मेरे पास सब स्ट्रिंग बन गई। अगर आप इसमें इससे ज्यादा रेंज देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं 1 to 5, दो लेंथ देना चाह रहे हैं स्टार्ट और एंड, लेंथ कहाँ तक उठाना है, तो ये कहाँ से उठाएगा, ये 0, ये 1 से उठाएगा जो कि ओ है, ओ से कहां तक, कितनी लेंथ तक उठाएगा, 5, 1 2 3 4 5। सो आप चाहें सब स्ट्रिंग में अगर इनिशियल पॉइंट दे देंगे तो वो उस स्ट्रिंग को छोड़ के उसके बाद से उठाएगा, और अगर आप दे देंगे फर्स्ट वन इनिशियल पॉइंट की स्ट्रिंग कहां से उठानी है और 5 इज द लेंथ कहां तक ले जानी है। अगर मैं इस लेंथ को 5 के बजाय 4 कर दूं और यहां इसको 8 कर दूं और फिर रन करूं, तो ये क्या उठाएगा, 4 से उठाएगा, 0 1 2 3। अब फोर्थ पोजीशन पे क्या है, एक वाइट स्पेस, तो वाइट स्पेस से उठाएगा, यानी कि यहाँ से, तो मेरे पास ये वाली वाइट स्पेस है, और कहाँ तक उठाएगा, ये 4 से उठाएगा, 4 5 6 7, अच्छा लेंथ कितनी है, 8, तो यहाँ से मेरी लेंथ कैसे काउंट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब स्ट्रिंग, यानी कि सब स्ट्रिंग इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, और वो कोई भी आप सब स्ट्रिंग दे सकते हैं। ये वाला सब स्ट्रिंग वाला मेथड क्लियर है क्लास, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अगर आप सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो सिर्फ क्या करेगा, वहां से स्टार्ट करेगा और बाकी रिमेनिंग स्ट्रिंग को, पूरी स्ट्रिंग को उठा लेगा। और अगर आप दो आर्गुमेंट पास करेंगे, दो इंटीजर आर्गुमेंट, तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या बताएगा कि कहाँ से स्ट्रिंग को उठाना है और जहां से उठाएगा आगे वाला क्या बताएगा, उसमें कितनी लेंथ तक उठाना है, तो 8 जहां से उठाएगा उसमें वहां से लेकर 8 तक जाएगा। ये सारी चीजें जब तक खुद से इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे इसी पे 7,15 किस तरीके से किया है कि 7 से उठाओ 7 और 7 से लेकर 15 की लेंथ तक जाओ, तो ये 7 कहाँ से उठाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि V से उठाएगा और V से 15 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि पूरी स्ट्रिंग आएगी हमारे पास। यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, लेंथ की,
इंडेक्स एंड लेंथ मस्ट रेफर टू अ लोकेशन विद इन द स्ट्रिंग. अब ये जो 15 है ये स्ट्रिंग के लोकेशन से बाहर है. ये स्ट्रिंग कहाँ से, 7 से अगर स्टार्ट हो रही है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ जाके एंड हो गई. मैंने इसको क्या इंडेक्स दिया, 15. 11 के बाद तो है ही नहीं. तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो इंडेक्स और लेंथ है मस्ट रेफर टू अ लोकेशन विद इन अ स्ट्रिंग. विद इन अ स्ट्रिंग लोकेशन के अंदर ही आप वो वैल्यूज दे सकते हैं. अब मैं 7 और 10 करूंगी तो ये V से उठाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. अगर मैं 11 कर दूंगी तो ये पूरी स्ट्रिंग उठा देगा. 11 से आगे जाऊंगी तो फिर एरर देगा. देखिए ये पूरी स्ट्रिंग उठा दी. 11 से आगे जाऊंगी 12, इसने एरर दे. इतनी तो हमारी स्ट्रिंग नहीं है जितनी मैंने उसको लेंथ दी है. ठीक है, ज्वाइनिंग स्ट्रिंग. ज्वाइनिंग स्ट्रिंग का मेथड क्या करेगा, लेट से मैंने एक एरे बनाई. अच्छा ये भी देख लेते हैं करके. जैसे हमने ज्वाइन का देखा था, ज्वाइन तो हम ऐसे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग एरे को ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे. मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाई और उसमें मैंने ये वैल्यूज पास कर दी. ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आई, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन. और मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन. एक नई str बनाओ जिसमें स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन करो किसको, स्लैश एन और str. इस एरे पे str करो और फिर str को प्रिंट करो. तो ये क्या करेगा, जो मैंने एरे बनाई थी इसमें स्लैश एन को ज्वाइन कर दिया. अगर मैं इसको कहूंगी स्टेरिक तो ये स्टेरिक को कर देगा. देखें स्टेरिक से इसने इसको मेंशन कर दिया स्ट्रिंग. अगर मैं इसको कह रही हूँ स्लैश डी, जो कि स्पेस के लिए यूज होता है. देखें इसने स्लैश हर स्ट्रिंग के बाद स्लैश इस तरीके से मुझे स्पेसेस दे दी. ज्वाइन क्या करेगा, जो दो स्ट्रिंग पास हुई है उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. कंकैटिनेटिंग स्ट्रिंग, कंकैटिनेशन हम पहले देख चुके हैं. ठीक है, कंकैटिनेशन क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग डिफरेंट बनाई s1 s2 s3 s4, एक और स्ट्रिंग में इन सबको जाके ऐड करवा दिया. तो ये प्लस का ऑपरेटर कंकैटिनेट कर देगा. अच्छा अब एक और प्रोग्राम, मुझे ये चेक करना है कि मैंने एक स्ट्रिंग पास की है, उस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स भी हैं और उस स्ट्रिंग में जो है मेरे पास नंबर्स भी हैं. अब मुझे ये पता करना है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो इंटीजर है और कौन सा कैरेक्टर है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, फॉर की लूप लगाएंगे. ठीक है, ये थोड़ा सा जरा लॉजिकल है, ये समझना पड़ेगा आपको. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की स्ट्रिंग str और उसमें कुछ नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों दे दिए. फिर मैंने लूप चलाई फॉर की और मैंने कहा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, कब तक चलाओ, जब तक str डॉट लेंथ, मतलब 0 से लेकर इसकी लेंथ यहाँ तक चलाओ. और इफ फॉर के अंदर मैंने इफ की स्टेटमेंट यूज कर दी, इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट. अब हम क्या कर रहे हैं, जो कैरेक्टर पास होगा उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वो डिजिट है या नहीं है. तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स. और इस मेथड में मैंने इनपुट क्या दे दिया, एस टी आर आई जाएगा str i 0 1. ये चेक करेगा जो कैरेक्टर पास हुआ है क्या वो डिजिट है, यस. तो प्रिंट हो जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन पे 1 इज अ नंबर. फिर क्या होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, ये यहाँ आएगा और फिर ये इस वाले 1 को उठाएगा और चेक करेगा कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, यस ये ट्रू है. तो फिर इस पे ये क्या करेगा, इस पे ये दोबारा से प्रिंट कर देगा इट इज अ नंबर, 1 इज अ नंबर. फिर दोबारा आगे जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 के लिए ये यहाँ आएगा जी. ठीक है, अब देखेगा कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, कौन सा कैरेक्टर पास करेगा इस डिजिट के मेथड में, बिल्ट इन मेथड में str ऑफ i str 2 व्हिच इज g. चेक करेगा कैरेक्टर इज डिजिट, g इज नॉट डिजिट. कंडीशन फॉल्स रिटर्न होगी, इफ के स्टेटमेंट पे जाने के बजाय एल्स पे जाएगा और प्रिंट कर देगा इट इज अ कैरेक्टर. रन करके देख लेते हैं.
ठीक है, वन बाय वन जो मैंने स्ट्रिंग पास की है उसमें सारी सीक्वेंस मुझे इसने बता दी कि कौन सा नंबर है और कौन सा कैरेक्टर है। जी क्लास, यहां तक क्लियर है? कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ये फाइल जो है वर्ड फाइल, ये जो है आपके LMS पे अपलोडेड है। इसके अलावा नेट से भी आपको स्ट्रिंग के बहुत सारे जो है वो मेथड मिल जाएंगे। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट एज मच एज पॉसिबल मेथड्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग, क्योंकि आपके पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आएगा। और थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी कर दीजिएगा, जैसे ये है एक स्ट्रिंग मैंने पास की, उसमें से मुझे ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके बता दें और टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसमें क्या चेंज होगा? जी क्लास, एक बोनस क्वेश्चन जिसके डायरेक्ट 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपके प्रोजेक्ट में, जिन 3 स्टूडेंट्स ने सही बताया मुझे यही जूम के प्राइवेट चैट सेशन में। अभी अभी मेरे दिमाग में आए क्वेश्चन। क्लास आवाज आ रही है क्या? ज्वाइन करके सोने चले गए आप लोग? अच्छा सही है, जाग रहे हैं सब कुछ। अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? ये जो स्ट्रिंग मैंने पास की है, स्ट्रिंग में वेरिएबल कुछ कैरेक्टर रखे हैं और स्ट्रिंग में मैंने कुछ जो है वो नंबर्स भी रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बता रही हूँ, रुक जाओ बता रही हूँ। ये जो कोड लिखा है स्क्रीन पे आपके पास शो हो रहा है, ये कोड क्या कर रहा है? मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है, इनिशियलाइज की है, उस स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स भी हैं और कुछ नंबर भी हैं। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? फॉर लूप के थ्रू वन बाय वन हर उसको चेक कर रहा है कि जो कैरेक्टर है वो इस डिजिट है या नहीं, और वो आगे क्या पास कर रहा है? str ऑफ i। तो str i की वैल्यू पहले 0 होगी, तो पहले इसको चेक करेगा कि क्या ये डिजिट है या नहीं है। अगर डिजिट है तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो गई प्रिंट हो जाएगा इट इज अ नंबर। फिर नेक्स्ट आएगा वन, इसको चेक करेगा ये भी नंबर है तो प्रिंट हो जाएगा इट इज अ नंबर। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू 2 होगी, str ऑफ 2 पे क्या पड़ा है? जी। चेक करेगा कि कैरेक्टर डॉट इज डिजिट जी, str i जो पास हुआ है जी क्या वो डिजिट है? नहीं, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी? फॉल्स। जब फॉल्स हो गई तो इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स पे जाएगा। आपका बोनस टास्क ये है जो कि डायरेक्ट 3 नंबर्स ऐड करेगा आपके असाइनमेंट में। चलो प्रोजेक्ट के मार्क्स फाइनलाइज हो गए, असाइनमेंट में वो आपका टास्क ये है कि आपने ये बताना है पूरा प्रोग्राम चलने के बाद कि टोटल नंबर्स कितने हैं इस स्ट्रिंग में और टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। इसके लिए क्या कोड होगा ये आप मुझे अभी जूम के चैट सेशन पे प्राइवेटली सेंड करेंगे। जिन 3 स्टूडेंट्स ने पहले और बिल्कुल सही सेंड किया उनको बोनस मार्क मिल जाएंगे 3 उनके असाइनमेंट में। कहाँ कहाँ अनस, थोड़ा सा इसी कोड को थोड़ा सा एलाबोरेट कर दो ना। सही कह रहे हो मोहम्मद अनस, इसी कोड को देख के थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई कर दो। एक अटेम्प्ट अनस ने किया है जो कि इनकम्प्लीट है। तो कितने वेरिएबल्स होंगे ना, सो एक कोड मुझे कोड स्निपेट भेज दो ना। ठीक है, हसनैन रजा ने भी सेंड किया है। ठीक है, एक बोनस अनस को मिल गया है, एक बोनस हसनैन को मिल गया है, एक रिमेनिंग है। अनस एंड हसनैन को असाइनमेंट में बोनस मिलने वाला है, मिल चुका है बल्कि। मोहम्मद अनस एंड हसनैन, आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड वन। नहीं ऐसे नहीं होगा करीम, नहीं मोहम्मद हुसैन ऐसा नहीं होगा। अभी तक अनस और हसनैन को एक बोनस मिल चुका है, करीम और हुसैन ने अटेम्प्ट किया है बट उनका जो है वो सही नहीं है, सही कोड नहीं बताया उन्होंने।
जी क्लास ओके, दो स्टूडेंट्स ही ने सही अटेम्प्ट किया है, उनको बोनस मिल गया अनस एंड हसनैन। नहीं हुसैन ऐसे नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो है वो इसमें गड़बड़ है। मोहम्मद हुसैन प्राइवेटली सेंड करना है मुझे। बस आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड वन, जैसे ही मुझे थर्ड मिलेगा। नहीं करीम, इसी में कोड तो यही रहेगा, इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी। ओके लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट में अगर किसी ने अटेम्प्ट कर लिया सही तो उसको बोनस मिल जाएगा, वरना इन दो ही स्टूडेंट्स का रहेगा बोनस। जो है ऑब्वियसली सिर्फ ऐसे ही मेथड्स नहीं आएंगे इनमें, जिस तरह मैंने अभी क्लास में ये जो मॉडिफिकेशन करवाई है बोनस टास्क की, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इन मेथड्स से रिलेटेड। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस पर डिफरेंट मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि नो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। नहीं नहीं फजीम, सही नहीं है। ओके क्लास टाइम ओवर, टाइम्स अप। नहीं हुसैन, ये भी जो आपने सेंड किया ये भी सही नहीं है, काउंटर लगाना है बेसिकली। यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, इन डिजिट इज इक्वल टू जीरो, डिजिट की वैल्यू भी जीरो होगी और इंट नंबर इज इक्वल टू जीरो। अगर ये डिजिट हो जाता है इस डिजिट, तो क्या करो? अब जाहिर है एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो इसकी बॉडी ओपन करनी पड़ेगी हमें, प्रिंट हो जाए इट इज अ नंबर और प्रिंट कर दे नंबर प्लस प्लस, नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए एल्स क्या हो, नहीं तो फिर मेरे पास डिजिट में प्लस प्लस हो जाए। बस ये करना था, एक सिंपल आसान आसान तरीन ये एल्स की बॉडी बना लेते हैं, ठीक है, और एट द एंड कंसोल डॉट राइट एंड पे प्रिंट करवा देते हैं। अब सेंड करने का फायदा नहीं है क्योंकि अब तो मैं सॉल्यूशन बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट होगा? ठीक है, तो ये मुझे क्या बता रहा है? डिजिट्स मेरे पास 6 हैं और कैरेक्टर 11 है। इसको जाके देख लेते हैं कि सही बता रहे हैं या नहीं बता रहा। 6 डिजिट बता रहे हैं, एक ये 1 1 2 3 4
फाइव एंड सिक्स, और 11 कैरेक्टर्स हैं वो भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, तो इन मेथड के साथ हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, लॉजिक तो वही पुरानी रहेंगी, बस हमने इन पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अप्लाई करनी होती है. ठीक है, वी कैन यूज स्ट्रिंग डॉट अपर केस लोअर केस. ये क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा. लेट्स से आई हैव स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट कर दिया इस स्ट्रिंग को, टेक्स्ट डॉट टू अपर, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, सारी स्ट्रिंग को अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा. टेक्स्ट डॉट लोअर, सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा. ठीक है, कॉनकैटिनेट के लिए आप प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और कॉनकैटिनेट का बिल्ट इन मेथड भी यूज कर सकते हैं. लेट्स से स्ट्रिंग फर्स्ट नेम जॉन, स्ट्रिंग लास्ट नेम डो, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. तो आप चाहें तो प्लस का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और आप कॉनकैट का मेथड, बिल्ट इन मेथड भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रिंग के किसी इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट करवानी है. लेट्स से मेरी स्ट्रिंग है माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन पर प्रिंट करवाओ माई स्ट्रिंग ऑफ जीरो, यानी कि माई स्ट्रिंग की जीरो वाली वैल्यू. तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एच. अगर मैं माई स्ट्रिंग ऑफ थ्री करूंगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एल. सो ये जो इंडेक्स देंगे उसकी स्पेसिफिक वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं आप. अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी पर्टिकुलर जो है कैरेक्टर दें और वो आपको उसका इंडेक्स बता दे, जैसे अभी तो हम कह रहे हैं ना इंडेक्स दे रहे हैं और हमें रेंज बता रहे हैं. जी एग्जैक्टली, इस डिजिट ये बताएगा कि जो इनपुट इसमें गया है वो नंबर है या नहीं है. एक ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ का. ठीक है, इंडेक्स ऑफ का मेथड, जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि जब हम स्ट्रिंग के नाम के साथ कोई वैल्यू इंडेक्स पास करते हैं तो वो उस पे रखा हुआ हमें कैरेक्टर बता देता है कि उस इंडेक्स, जैसे जीरो है तो जीरो पे कौन सा कैरेक्टर है वो बता देगा. इसी तरह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग में से कोई कैरेक्टर पास करूं और मुझे उसका इंडेक्स पता करना है कि वो किस इंडेक्स पे है, तो उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ का बिल्ट इन मेथड यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे, स्ट्रिंग के नाम के साथ, जैसे जो स्ट्रिंग है माय स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ. ठीक है, इंडेक्स ऑफ में हमने ई पास कर दिया, सो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में जाएगा, देखेगा कि ई का इंडेक्स क्या है. तो यहाँ पे 0, 1, तो ई का इंडेक्स क्या है, 1, तो इट विल रिटर्न 1. इंडेक्स ऑफ का मेथड हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है. ठीक है, we have different string methods. ठीक है, एक प्रोग्राम बनाए, एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे स्ट्रिंग के मेथड्स अप्लाई करके देखें. आप इस काइंडली इस प्रोग्राम को एक दफा देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं. फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं एक दफा और फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग डिक्लेयर की फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में वैल्यू दी स्टीवन क्लार्क, सेकंड लास्ट नेम में वैल्यू दी क्लार्क. कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट नेम डॉट क्लोन क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या करेगा, स्ट्रिंग का एक क्लोन बना देगा. फिर क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट नेम डॉट कंपेयर टू लास्ट नेम, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से कंपेयर करेगा. कंपेयर टू स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न 0 फॉर ट्रू एंड 1 फॉर फॉल्स. क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, अगर वैल्यू सही होगी तो 0 रिटर्न करेगा, नहीं तो 1 रिटर्न करेगा फॉर फॉल्स, जैसे हमने पहले भी देखा था. कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट नेम डॉट कंटेन्स डॉट वेन चेक करेगा कि फर्स्ट नेम में वेन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. क्लोन जो है बेसिकली स्ट्रिंग की एक कॉपी बना के प्रिंट करेगा. क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन ऑब्जेक्ट बनाना, कॉपी बनाना, एक रेप्लिका बनाना. देन फर्स्ट नेम डॉट एंड्स विद, एंड्स विद का मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि जो स्ट्रिंग है ये इस कैरेक्टर से एंड हो रही है या नहीं हो रही, और रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट नेम यानी कि स्ट्रिंग नेम डॉट एंड्स विद एंड चेक करेगा जो मेरे पास फर्स्ट नेम है
वो एन हो रहा, एंड हो रहा है एन से या नहीं हो रहा, तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर हमारे पास मेथड है कंसोल डॉट आउटलाइन फर्स्ट नेम डॉट इक्वल्स लास्ट नेम, चेक करेगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इक्वल्स हैं, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स और रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। कंपेयर टू का मेथड 0 और 1 में इंटीजर में रिटर्न करता है, इक्वल्स का मेथड क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो गई तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग के साथ अगर हम गेट हैश कोड का मेथड यूज करते हैं तो गेट हैश कोड क्या रिटर्न करेगा, हर जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो है एक हैश कोड होता है, जैसे हमने ASCII कोड पढ़ा इसी तरह इसका एक हैश कोड होता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सिंपली जो उस स्ट्रिंग का हैश कोड होगा वो रिटर्न कर देगा। फर्स्ट नेम डॉट गेट टाइप, जब आप गेट टाइप का मेथड कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली वो टाइप बताएगा, और फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है तो टाइप हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग रिटर्न होगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न होगा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेथड है मैं वो बता रही हूँ, बाकी स्किप कर रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ ई, फर्स्ट नेम पे इंडेक्स ऑफ ई बताएगा रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स पोजिशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। अच्छा, अगर एक से ज्यादा ई हुए, ठीक है, लेट से फर्स्ट नेम है हमारे पास, इसमें एक से ज्यादा ई है, ई एंड ई मतलब दो दफा ई है, ये भी ई है और ये भी ई है, तो फिर ये क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ का मेथड रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ इंडेक्स पोजीशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि जो उस स्ट्रिंग में जो पहली अकरेंस होगी उस कैरेक्टर की वो बताएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट मेथड है फर्स्ट नेम डॉट टू लोअर, ये क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग को लोअर में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फर्स्ट नेम डॉट अपर क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फिर हमने एक और स्ट्रिंग बनाई फर्स्ट नेम डॉट इंसर्ट, फर्स्ट नेम में इंसर्ट करो 0 पोजीशन पे हेलो, तो फर्स्ट नेम क्या है मेरे पास, स्टीवन क्लार्क, ये क्या करेगा 0 पोजीशन पे हेलो, और फिर बाकी स्ट्रिंग वैसे ही रखेगा हेलो स्टीवन क्लार्क। सो किसी जो स्पेसिफिक पोजीशन आप देंगे वहां पे स्ट्रिंग को जाके वो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, नॉर्मलाइज रहने दें। फर्स्ट नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ हमें क्या बता रहा होगा, जो हमने दिया है वो लास्ट पोजीशन क्या है उसकी, रिटर्न्स द लास्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ स्पेसिफाइड, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट पोजीशन बताएगा लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट पोजीशन। तो अगर मेरे पास यही स्ट्रिंग है स्टीवन क्लार्क, फर्स्ट नेम यही है ना, तो इसमें अगर मैं इंडेक्स ऑफ का मेथड यूज करूंगी तो वो फर्स्ट अकरेंस बताएगा, और अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ करूंगी तो वो ये वाला ई बताएगा, और अगर मेरे पास एक और ई यहाँ भी होता तो लास्ट इंडेक्स ऑफ वाला ये वाली ई की मुझे पोजीशन बताता इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ हम ऑलरेडी यूज करके बता देख चुके हैं, लेंथ रिटर्न करेगा उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट नेम डॉट रिमूव 5 डिटेल्स ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू स्पेसिफाइड इंडेक्स, जो मैंने इंडेक्स दिया है उस इंडेक्स स्टार्ट से लेकर उस स्पेसिफिक इंडेक्स तक तमाम कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा स्ट्रिंग में से। फर्स्ट नेम डॉट रिप्लेस ई और आई, इन कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देगा, ई को किससे रिप्लेस कर देगा, आई से। अब आपने करना ये कि ये सारे मेथड्स परफॉर्म करके देखने हैं वन बाय वन। ठीक है, स्ट्रिंग स्प्लिट इज इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट स्प्लिट न्यू कैरेक्टर ई, स्प्लिट द स्ट्रिंग बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड वैल्यू, ये क्या करेगा, जैसे इसको ई मिलेगा क्या कर देगा, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ई, इसको यहाँ पे ये मिलेगा E, जैसे ई मिला स्ट्रिंग को इसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, फिर नेक्स्ट ई मिला फिर स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया। सो आप इस तरीके से स्ट्रिंग को किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की बेस पे भी स्प्लिट कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं, अलग अलग एरे बना रहे, और जैसे ई मिलेगा उस स्ट्रिंग को एक एरे में स्टोर कर देगा, एक नया एरे बना देगा। ठीक है, चेक करेगा फर्स्ट नेम डॉट स्टार्ट विथ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, फर्स्ट नेम वाली जो स्ट्रिंग है वो एस से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट नेम डॉट सब स्ट्रिंग 2,5 ठीक है, 2,5 फर्स्ट नेम को 2 से स्टार्ट करेगा और 5 तक एक पार्ट निकाल के प्रिंट कर देगा। फर्स्ट नेम डॉट टू कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग है टू कैरेक्टर एरे, उसको पूरे के पूरे कैरेक्टर एरे में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम, ट्रिम का मेथड क्या करेगा, अगर स्ट्रिंग से पहले और स्ट्रिंग के बाद में कुछ व्हाइट स्पेसेस है, मीन्स स्पेस है, तो वो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये सारे मेथड्स आपने वन बाय वन जो है वो
अप्लाई करके देखना है। इसके अलावा नेट से भी और मेथड मिल जाएंगे, मतलब इसी टाइप के मेथड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से मेथड इम्पोर्टेंट हैं। कंपेयर का मेथड इम्पोर्टेंट है, कंपेयर टू का मेथड इम्पोर्टेंट है, कंटेन्स का मेथड, एंड्स विद, इक्वल्स, ठीक है। उसके अलावा इंडेक्स ऑफ, टू लोअर टू अपर, इंसर्ट, नॉर्मलाइज रहने दें, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लेंथ, रिमूव, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट मेथड्स। उसके अलावा रिप्लेस वाला देखना है, स्प्लिट वाला, स्टार्ट्स विद सब स्ट्रिंग, एंड्स विद कैरेक्टर एरे एंड ट्रिम, ठीक है। तो इनमें से मैंने कौन कौन से मिस किए हैं, मैंने आपको इज नॉर्मलाइज छोड़ दें, ठीक है। ये यूनिकोड और ये सारी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, हैश कोड और ये सब, इज नॉर्मलाइज वाला छोड़ दें, उसके अलावा ये तीनों छोड़ दें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सिंपल मेथड्स हैं जो आपने बिल्कुल कर सकते हैं, इफ एल्स में ही यूज होंगे ये सारे मेथड बेसिकली है। तो यहाँ पे पता करने के लिए हमने यूज किया कि ट्रू और फॉल्स हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर आप कंसोल डॉट राइट लाइन पे करेंगे तो वो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, और अगर आप चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो तो फिर आप उसको इफ एल्स में यूज रखेंगे। अच्छा, अटेंडेंस चेंज कर दें क्लास। एक पापा चाहिए। अच्छा, जी आज आप लोगों की इवेल्यूएशन होगी 6 बजे, तो काइंडली 6 बजने से एटलीस्ट 5-10 मिनट पहले मुझे जो है वो मीटिंग लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, आलिया एंड हुसैन, ठीक है। यहाँ तक हमारा कोर्स था, कोर्स कंटेंट हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए जो कोर्स आउटलाइन में गिवन है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मेहनत कीजिएगा, खुद से कीजिएगा, और कॉपी कंटेंट मत कीजिएगा क्योंकि जो आपके मार्क्स कम आते हैं वो कॉपी करने की वजह से होते हैं, और काइंडली टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। एलएमएस का जिसका इशू है वो काइंडली अपने एलएमएस का इशू है सून एज पॉसिबल जो है वो सॉल्व करवा दें बिफोर पेपर, ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्यों, आप लोगों को पेपर का स्केड्यूल नहीं मिला? 4 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना, और हमारा पेपर शायद 13 को, आई गेस। कब है पेपर पीएफ का? थर्टीन को आया गया, हाँ 13 दिसंबर को है, ठीक है। और चलो ठीक है, सही है, ठीक है। जो जो चीजें पढ़ी हैं वो सब पेपर में आएंगी किसी ना किसी तरीके से, और एज इट इज नहीं आएंगी, जाहिर सी बात है उस पर डिफरेंट जो है वो मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।